काफी बागवानी चैनल पे। दोस्तों ये फ्लावर्स आप देख रहे हैं रेड कलर वाले, प्लांट का नाम है केना इंडिका। ये बिल्कुल भी दोस्तों अपने केना लिली प्लांट्स होते हैं ना, उसी से मिलता जुलता हुआ एक वैरायटी है। केना लिली में तो बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं, येलो और बीच में रेड शेडी कलर आते हैं, बहुत सारे कलर्स आते हैं इसमें भी बहुत सारे कलर्स आते हैं। मेरे पास ये रेड वाला है और एक ऑरेंज वाला है, लेकिन ऑरेंज में अभी फूल नहीं है। ये रेड वाले फ्लावर्स, ये केना लिली के जैसे बड़े बड़े फ्लावर्स नहीं होते हैं दोस्तों, ये थोड़े छोटे साइज में छोटे होते हैं, लेकिन उसी तरह से इसमें एक भुट्टा सा आ जाता है और उसमें इस तरह से ये फ्लावर्स आते रहते हैं। और इसके पत्ते भी बहुत खूबसूरत होते हैं दोस्तों, ये देखिए इसमें ये बीच में ग्रीन कलर आ जाता है और इसके साइड्स में इस कलर में एक लाइन सी आती है और इस तरह से बीच बीच में भी रेड सी एक लाइन आ जाती है, तो ये दिखने में बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा लगता है। इसके पत्तियां भी बहुत बड़े आते हैं दोस्तों, ये प्लांट भी 2 से 5 मीटर तक लंबा हो जाता है और इसके फ्लावर्स बरस के 12 महीने आते ही रहते हैं। और इसको ना दोस्तों बहुत केयर करने की भी जरूरत ही नहीं है। इसकी पॉटिंग मिक्स की बात की जाए, मिट्टी की बात की जाए, तो नॉर्मली से हमारी ग्राउंड सॉइल ले सकते हैं और इसको नीचे ग्राउंड में भी लगा दें, यानी ज़मीन में भी लगा दें, ये उग जाएगा, और पॉट में भी लगा दें तो भी अच्छे से ये चल जाएगा। बस इसी तरह फ्लावर्स आते रहते हैं और इसे बीज से लगाया जाता है दोस्तों, तो इसके इस तरह से सीड पॉट्स आ जाते हैं, जो फ्लावर ख़त्म होने के बाद इस तरह से सीड पॉट्स आते हैं और इसको ऐसे ही सूखने देंगे तो इसमें से सीड निकल आते हैं। देखिए ये वाला सूखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से इसमें गोल गोल सीड्स आते रहते हैं। ऐसे दोस्तों ये इसके सीड्स हैं, बस इसको डाल देंगे तो बस प्लांट हमारा आ जाएगा। देखिए ये मेरा ग्राउंड में लगा है दोस्तों, इतना ऊपर तक चला गया है, ये बहुत अच्छा लुक दे रहा है। ये मेरा ग्राउंड पे है और एक पॉट में भी है, मैं आपको बताती हूँ, पॉट में भी है दोस्तों। देखिए इसकी भी ग्रोथ अच्छे से हो रही है, इसमें अभी कुछ फ्लावर्स नहीं है। देखिए दोस्तों बीच में से इस तरह से राउंड सा पत्ता आ जाता है और फिर इस तरह से ये खिल जाता है, इस तरह बड़े बड़े पत्ते हो जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, जब भी हम प्लांट लगाते हैं वो प्लांट ग्रो होते ऊंचा तक जाता है तो इसके नीचे नीचे से पत्ते सूखने लगते हैं, जाने लगते हैं, लेकिन इस प्लांट में वैसा नहीं होता है दोस्तों। नीचे से लेते हुए देखिए, नीचे से लेते हुए पत्ते अच्छे रहते हैं, सूखते नहीं हैं, इसीलिए ये ग्राउंड कवर करते हुए बहुत अच्छा लगता है। इसको पॉट में लगा दें, किसी कोने में रख दें तो ये हाइट में चला जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, कोना भी खाली खाली नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये पॉट में लगा हुआ भी, ग्राउंड में लगा हुआ भी बहुत अच्छा खूबसूरत लगेगा। इसके पत्ते भी वैरायटी लगते हैं और इसके फूल भी बहुत प्यारे लगते हैं, और इसको कुछ भी फर्टिलाइजर देने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बस कुछ पानी दे दें तो ये चलता रहेगा, समर में भी अच्छे से चल जाएगा, समर में भी इसको ज़्यादा केयर लेने की ज़रूरत नहीं है और विंटर में भी इसको केयर लेने की ज़रूरत नहीं है, फर्टिलाइज़र भी देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप छाँव में रख दो, धूप में रख दो, बस चलता ही रहेगा दोस्तों। प्लांट इतना अच्छा प्लांट है ये, और इसको सीड से लगा सकते हैं और नहीं तो ये प्लांट लग जाने के बाद बाजू से इस तरह से इसमें छोटे छोटे से प्लांट्स भी आ जाते हैं, उसको निकाल के भी हम दूसरे जगह में भी लगा सकते हैं।
और इसके फूल विंटर्स में भी आते रहते हैं, समर्स में भी आते रहते हैं, बस इस तरह से भुट्टा हो जाता है, इसमें से आते हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट है दोस्तों, बिल्कुल भी जो बिगिनर्स हैं जो गार्डन लगाना चाहते हैं अपने ग्राउंड में, तो ज़रूर इस प्लांट को लगा सकते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है और मरने का भी डर नहीं होता है, बस एक बार लगा लें तो ये चलता रहता है दोस्तों। ये मैं कर्नाटका स्टेट से लेके आई थी, छोटा प्लांट ही लाई थी, और अब मेरे घर में बहुत सारे प्लांट हैं। ये यहाँ एक ग्राउंड में भी लगा हुआ, तो अभी इसके 5-6 पौधे यहाँ आ गए हैं, और पॉट में भी 4-5 पौधे आ गए हैं, और दूसरी जगह भी मैंने इसको लगा के रखा है। बहुत अच्छे से आ रहा है दोस्तों, ये तरह से फूल आ जाए उसके बाद ये सीड पॉट बन जाएगा, और इसके सीड से हम जहाँ कहीं भी इसको उगा सकते हैं इस प्लांट को। इसके सीड्स बहुत हार्डी होते हैं, बहुत हार्ड है, इसलिए इसके सीड्स आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा दोस्तों, इसका पौधा आने में थोड़ा टाइम लगता है। बस दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही, इसी तरह आप भी नए नए पौधे लगाते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।